इस वीडियो में हम गोडैडी डोमेन को होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करने के बारे में जानेंगे। किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं गोडैडी के डोमेन को। अगर हमने कोई डोमेन गोडैडी से परचेज किया हुआ है तो उसको हम होस्टिंगर से कैसे कनेक्ट करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपको जो है गोडैडी जो आपने डोमेन खरीदा है उस अकाउंट में लॉगिन हो जाना है गोडैडी के। और उसके बाद आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर माई प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। माई प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, और यहाँ पर आपको जो भी डोमेन आपने परचेज किए हुए हैं वो यहाँ पर लिस्ट उनके शो हो जाएगी। मैंने देखे दो डोमेन यहाँ पर परचेज किए हुए हैं, तो मुझे इसको कनेक्ट करना है होस्टिंगर के साथ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डीएनएस पर क्लिक करूँगा। ये सामने देखिए डीएनएस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। डीएनएस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे नेम सर्वर्स पर। नेम सर्वर्स पर आने के बाद यहाँ पर देखिए जो नेम सर्वर है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमें इनको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए हम सिंपली चेंज नेम सर्वर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम आई विल यूज़ माई ऑन नेम सर्वर इन पर क्लिक करेंगे। तो पहले से क्लिक है क्योंकि मैंने किसी और के नेम सर्वर यहाँ पर अपडेट किए हुए हैं, तो मैं इनको हटा के अब होस्टिंग करके यहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे होस्टिंगर नेम सर्वर लिस्ट। ये टाइप करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के पहले जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर होस्टिंगर की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है, जो कि आर्टिकल लिखा हुआ है पूरा। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए नेम सर्वर्स, हमें यहाँ पर दो नेम सर्वर्स मिल जाते हैं। इनको यहाँ से कॉपी करना है और फर्स्ट को फर्स्ट में यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है, और फिर सेकंड को भी इस तरह से हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेव और क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर में ये नेम सर्वर यहाँ पर सेव हो जाएंगे और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट है प्रोग्रेस में है। अब कुछ ही देर में ये यहाँ पर नेम सर्वर जो अपडेट हो जाएंगे। अपडेट होने के बाद यहाँ पर जो है हमारे जो नेम सर्वर है वो यहाँ पर होस्टिंग करके नेम सर्वर यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं नेम सर्वर, देखिए यहाँ पर ही अपडेट हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इस डोमेन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी ये एस एस एल इज नॉट इनेबल, यानी कि जो मैंने पहले किसी और फ्री होस्टिंग पर ही इसको कनेक्ट किया हुआ था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने जो होस्टिंगर से इसको कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये इसको जो एक्टिव होने में अभी 2 घंटे का टाइम लग सकता है। 2 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके बाद हम जो हमारा डोमेन है इसको हम होस्टिंगर में ऐड करेंगे। अभी तो हमने कनेक्ट किया है, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम गोडेडी जो डोमेन है उसको होस्टिंगर में ऐड करेंगे और वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ जो गोडेडी का डोमेन है उसको होस्टिंगर से किस तरह से कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो की मदद से अब आप जान गए होंगे किस तरह से हम गोडेडी डोमेन को होस्टिंगर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।